हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन देखेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। कल की क्लास में अपन ने टेंस का इंट्रोडक्शन देखा था कि टेंस को अपन पढ़ते क्यों हैं। फिर उसके बाद में अपन ने टेंस के बारे में जाना था, टेंस को टाइम और वर्क के बेसिस पर डिवाइड किया था। टाइम के बेसिस पर 3 टाइप्स का, वर्क के बेसिस पर 4 टाइप्स का। अब टाइम के बेसिस पर 3 टाइप्स कौन कौन से थे? एक तो था आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो पास्ट टेंस, और तीसरा था आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस जो आएगा। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? उसके बाद में अपन ने वर्क के बेसिस पर डिवाइड किया था। वर्क के बेसिस पर था आपका 4 टाइप्स का। फर्स्ट था आपका इंडेफिनेट टेंस, दूसरा कॉन्टिन्यूस टेंस, तीसरा था परफेक्ट टेंस, और चौथा था आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप वहीं से देख लीजिएगा। और आज की क्लास में अपन देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं अपन पहचान। तो इसकी पहचान होती है ता है ती है ते है। मतलब जिस भी सेंटेंस के अंत में आपको ता है ती है ते है ये वर्ड्स दिखे तो आप समझ जाना कि वो टेंस होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब उसके बाद में इसके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं अपन सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। तो इसकी सहायक क्रिया होती है आपकी डू और डज। डू और डज, जहां अपन डू का यूज तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है? तो प्लूरल सब्जेक्ट होती है आपकी आई वी यू दे, और सिंगुलर होती है ही सी इट नेम। किसी का भी नाम हो तो वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, और उसके साथ अपन डच का यूज करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, इसकी पहचान अपन ने देख ली। दूसरी बात, इसके हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डच। इसके हेल्पिंग वर्ब भी अपन ने देख ली, डू और डच, जहां अपन डू का यूज तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। एस यू बी मतलब सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन डच का यूज करते हैं। अब उसके बाद मैन वर्ब। मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मैन वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। वो होती है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर पर। देखो, टेंस में अपन पढ़ते हैं 3 सेंटेंस। फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं अपन सकारात्मक वाक्य। मतलब जो वाक्य अपन आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं उन्हें अपन पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिविटी दिखाता है। मतलब इसमें नेगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है। नेगेटिव वर्ड मतलब नो, नॉट, नेवर, ये सभी नेगेटिव वर्ड है, और इनका यूज अपन अगर सेंटेंस में कर देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा आपका। अब तीसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है कि क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस भी सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे अपन सब्जेक्ट, और उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी एस या ईएस। पॉजिटिव सेंटेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब एस या ईएस करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में नूडल्स लगाते हैं। ऐसे ही इसको यूज अपन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं करते हैं, इसका यूज अपन केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एस या यस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है आपका कार्य को करने वाला, ऑब्जेक्ट बाकी जो बचता है वो उसे कहते हैं अपन ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अपन देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही अपन हेल्पिंग वर्ब एस या एस लगाते हैं, नेगेटिव आते ही अपन डू डज का यूज कर देते हैं। और सिंपल सी बात है, मैंने आपको समझाया कि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नेगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, और नोट का अपन ने यूज कर दिया। अब तीसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे उसके लिए अपन सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड। अगर उस सेंटेंस में आपको डब्ल्यू एच वर्ड दिया गया हो तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। अगर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं हो तो उसके बाद में अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और इसके हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज।
तो WH word plus do does, फिर उसके बाद में subject plus verb की first form plus object, और last में लगा देंगे अपन interrogative mark। इसे बोलते हैं अपन interrogative mark, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस भी sentence में अपन प्रश्न पूछते हैं तो last में interrogative mark लगाते हैं। अब एक और होता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एक सेंटेंस और होता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना होता है, देखो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों को जोड़कर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लिया। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग, ठीक है। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो। अब मैंने इसमें, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर इसमें मैं नेगेटिव वर्ड का यूज कर दूं तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि क्या तुम नहीं खा रहे हो, मैंने किसका यूज किया, नहीं का, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। अब उसमें क्या करेंगे, इस सेंटेंस में अपन नोट का यूज और कर देंगे। तो आइए बनाते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे अपन डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डज, और इसके बाद में अपन देखो डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड, और उसके बाद में पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद में अपन नोट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है लेकिन इंट्रोगेटिव तो है, इसलिए अपन इसमें इंट्रोगेटिव मार्क का भी यूज करेंगे। अब दो यूज और देख लेते हैं जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, ये होता है सार्वभौमिक सत्य। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सत्य। जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि लगाती है, 100% लगाती है, ठीक है। उसके बाद में है हैबिचुअल एक्शन, तो ये दोनों एक्शन, ये दोनों जो आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन है, ये दोनों भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। हैबिचुअल एक्शन का मतलब हो जाएगा आदतन क्रिया, जो क्रिया अपन रोज करते हैं, एक दिन नहीं रोज करते हैं, जैसे पढ़ना हो गया, खाना हो गया, तो ये क्रियाएं अपन रोज करते हैं, और ये रोज ही क्रियाएं भी आपकी किस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसका यूज अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार लास्ट रिवीजन करते हैं। टेंस पढ़ रहे हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी, ता है, ती है, ते है। आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं पहचान। तो जिस भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं खेलता हूं, लास्ट में कह रहा है ता हूं, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं अपन सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया होती है डू और डच, जहां अपन डू का यूज तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, डच का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कर देंगे। मैंने आपको बताया प्लूरल सब्जेक्ट होती है आपकी आई वी यू दे, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट ने, किसी का भी नाम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा मैन वर्ब, इसकी मैन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब को हिंदी बोलते हैं मुख्य क्रिया। उसके बाद में अपने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर में सेंटेंस होते हैं तीन, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। अब पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एस या ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एस या ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क, इसे अपन बोलते हैं इंट्रोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब लास्ट है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें अपन को नोट और जोड़ना है, और वो कब जोड़ना है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब डू और डज लिखेंगे, उसके बाद में अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, चाहे कोई सा भी टेंस हो, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नोट लगाएंगे। डब्ल्यू एच वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। उसके बाद में यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, जिस जो भी सेंटेंस सार्वभौमिक सत्य होता है उसे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, और हैबिचुअल एक्शन आदतन क्रिया होती है उसे भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।